देखिए, जम्मू प्रांत के साथ लगातार जिस तरीके से भेदभाव होता जा रहा है उसकी एक और मिसाल जो है वो सामने आई है कि वीडीसी मेंबर्स जो हैं जम्मू प्रांत के हैं, उनका वेतन जो है वो पिछले कुछ वर्षों से बंद कर दिया गया है। 36,000 के करीब विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स जो अपनी सेवाएं पिछले 2 दशकों से यहां देते आ रहे थे और इन लोगों ने जो है जो सेवाएं दी हैं मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनकी एफर्ट्स की वजह से मिलिटेंसी जो है वो कर्व हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को अपने इलेक्शन कंपेन में भी इस्तेमाल किया, इनके साथ बड़े बड़े वादे किए और जब सत्ता में आ गए तो इन वीडीसी मेंबर्स को पूरे तरीके से अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद इनका जो ऑनरेरियम मिलता था, निगलिजिबल सा ऑनरेरियम मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो डोडा है, चाहे वो जिला उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, रजौरी है, पुंछ है, ये वीडीसी मेंबर्स जो है वो सड़कों के ऊपर मेंबर्स के साथ इनके अधिकारों की लड़ाई पैंथर्स पार्टी लड़ेगी। और जिस तरीके से कोरोना के वक्त में भी इनके ऊपर इतनी दुश्वारियां आ रही हैं, इनका वेतन बंद करना, इनका ऑनरेरियम बंद करना एक बहुत बड़ी जाति है। बहुत सारे वीडीसी मेंबर्स ऐसे हैं जो मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए जान गवा बैठे या अपने जो अंग गवा बैठे और इन्हीं वीडीसी मेंबर्स की वजह से आज दूर दराज के गांव में एक सिक्योरिटी का माहौल है। अगर वहां सुरक्षा जो है लोग जो है सिक्योर महसूस कर रहे हैं इनकी वजह से कर रहे हैं। आज भी बंदूकें इनको दी गई हैं, आज भी इनकी जिम्मेदारियां लगाई जा रही हैं, आज भी इनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन पिछले 4 वर्षों के करीब हो चुके हैं इनका वेतन इनको नहीं देना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, एक बहुत बड़ा बेइंसाफी है। और पैंथर्स पार्टी जो है वो इनके हक के लिए पूरी पूरी लड़ाई लड़ेगी और एक मुहिम शुरू करेगी, केंद्र सरकार को जवाब दे बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे बनाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से और यूनियन होम मिनिस्टर से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो एरियर्स है वो रिलीज किए जाए ताकि ये लोग भी अपना गुजर बसर कर सके। और इनका वेतन नहीं देना ये ह्यूमन राइट्स का भी एक बहुत बड़ा वायलेशन है और इनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है।